गोलियों के खाली खौल है। आज है डेट 27 सितंबर 2024 रात के 10 बजे ये वीडियो शूट हो रही है और ये मामला है कोई 2-3 घंटे पहले का। मेरे दरवाजे पे 6 बाइक्स आती हैं जिसके ऊपर 12 लड़के थे, टोटल 12 लड़के थे, और मेरे गार्ड से कहा कि रजा भाई से मिलवाओ। उसने कहा देख लो गाड़ी नहीं है, रजा भाई नहीं थे, मैं ब्लॉक करने बाहर गया हुआ था एज यूजुअल, डेली बेस पे बाहर ही होता हूँ। उसके साथ तल्ख खराबी की, उसको मारा और मेरे दरवाजे पे गाड़ियां निकाल के मेरे दरवाजे के ऊपर फायरिंग कर दी गई। अर्जेंट बेसिस के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि मैं अपना लीगल नोटिस तो लूंगा। मेरी बात सुन जी, या तो तुम लोग नहीं छोड़ दे या फिर लोगों को मिलना छोड़ दे, मैं तेरे ऊपर कोई रिस्क नहीं ले सकती, सीधी सी बात है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अरीबा मीर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो के एंड पे प्यारा सा कमेंट कर दें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि रजब भट्ट ने आप बीती अपनी कहानी अपने लफ्ज़ों में शेयर की है कि किस तरह उनके घर पर हमला हुआ और किस तरह जो है वो गोली मार के लड़के उनके घरों पर चले गए। रजब भट्ट ने बताया कि जो लोग उनको अपना फैंस कहते हैं वो मिलने के बहाने उनके घर पर आए और उनके गार्ड को बोला कि रजब भट्ट को बुलाएं। जब उनके गार्ड ने बताया कि रजब बट घर पे नहीं हो बाहर गए हुए हैं तो उन्होंने उनके घर पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। रजब भट्ट ने अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा दुख का इजहार किया। उनकी जो मदर हैं वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि हम लोग फैंस को अपनी रजब फैमिली मानते हैं और उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। तो इस सारे वाक़े के बाद उनके घर पर पुलिस आ गई। रजब भट्ट ने सारे वाक़े का लीगल नोटिस भी ले लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके वीडियो के एंड पर कमेंट कर दें। तो फ्रेंड्स, इस पूरे वाक़े के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, वीडियो के एंड पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।